हरियाणा में भी मध्य प्रदेश का असर पड़ता दिख रहा है। मध्य प्रदेश की तरह हरियाणा में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में बड़ा पेच फंस गया है। हालात यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में चल रही राजनीतिक हलचल का असर हरियाणा में भी पड़ सकता है। हरियाणा में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। 90 विधायकों की हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के 31 विधायक हैं और इसी कारण माना जा रहा है कि राज्यसभा की 1 सीट पार्टी आसानी से जीत लेगी। लेकिन टिकट को लेकर हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा और पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच मामला फंसता दिख रहा है। कांग्रेस हाईकमान राज्यसभा की यह सीट दोबारा प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा को देना चाहता है, लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यह टिकट देना चाहता है। उनका यह कहना है कि हरियाणा के 31 कांग्रेस विधायकों में से ज्यादातर का समर्थन दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में है। माना जा रहा है कि इसी कारण से पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए इस सीट पर दावा ठोक दिया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को अस्थिर कर पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। सिंधिया ने पार्टी छोड़ते समय कहा है कि कांग्रेस अब पहले जैसी नहीं रही। यह वाक्य हुड्डा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रोहतक रैली में बोल चुके हैं। फिलहाल हुड्डा की सक्रियता के चलते हरियाणा में भी मध्य प्रदेश जैसी राजनीतिक हालात होने की संभावना जताई जा रही है। हुड्डा ने 9 मार्च को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर दीपेंद्र हुड्डा के लिए राज्यसभा की सीट मांगी थी। सूत्र बता रहे हैं कि सोनिया ने इस मुलाकात में दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा सीट देने के लिए साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में चल रही उठापटक के चलते हुड्डा ने मंगलवार साय संदेश भेजकर अपने समर्थक विधायकों को दिल्ली स्थित अपने निजी आवास पर बुलाया। इस बैठक में हालांकि कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी सहित 3 अन्य शैजा समर्थक विधायकों को आमंत्रित नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि बैठक में 24 विधायक पहुंचे। इन विधायकों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साफ कर दिया कि वे दीपेंद्र की दावेदारी के लिए कांग्रेस हाईकमान से भी मिलने को तैयार है। राज्य में कांग्रेस के 31 विधायकों में से 1 विधायक इस समय बीमारी की हालत में है, इसलिए कुल 30 विधायकों में से यदि भाजपा 2 विधायकों को भी क्रॉस वोटिंग या वोट नहीं डालने के लिए तैयार कर लेती है तो राज्यसभा की 3री सीट पर सत्तारूढ़ दल का कब्जा हो सकता है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा खेमा इस समय कांग्रेस हाईकमान को अपनी राजनीतिक ताकत बता रहा है। हुड्डा खेमा साफ संदेश दे रहा है कि यदि राज्यसभा की सीट कांग्रेस को जीतनी है तो उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा को दी जाए। हुड्डा समर्थकों का कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा को महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू सहित सिरसा से निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा भी समर्थन दे देंगे, जबकि शैलजा को उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस के 30 विधायकों की भी गारंटी नहीं ली जा सकती। 31 विधायकों में से शैलजा के समर्थन में 3 विधायकों को ही बताया जाता है। इनमें नारायणगढ़ की शैली चौधरी, कालका से प्रदीप चौधरी और असंध से शमशेर सिंह गोगी शामिल है। हुड्डा की बैठक में 31 में से 24 विधायक पहुंचे। इन 3 विधायकों के अलावा बिश्नोई व किरण चौधरी नहीं पहुंचे। 1 विधायक श्री कृष्ण हुड्डा बीमारी के चलते बैठक में नहीं आए। कांग्रेस हाईकमान की मौजूदा स्थिति देखकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिलहाल दबाव की राजनीति कर रहे हैं। हुड्डा यह भी जानते हैं कि बिना उनके समर्थन के कोई अन्य कांग्रेस नेता राज्यसभा सीट नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, चूंकि भाजपा की भी इस 3री सीट पर नजर है, इसलिए हुड्डा खेमा यह भी दावा कर रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा के अलावा अन्य कोई उम्मीदवार भाजपा की जोड़ तोड़ की राजनीति का सामना नहीं कर सकेगा। हालांकि अभी हुड्डा या शैलजा की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.